जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आजकल हम किसान भाई खरीफ की फसलों की बुआई रोपाई में लगे हुए हैं और इसमें सबसे ज्यादा धान की पारंपरिक तरीके से रोपाई होती है, यानी कि पहले किसान नर्सरी डालते हैं और पौध तैयार होने पर तैयार खेत में रोपाई होती है। ये अपने आप में काफी खर्चीला होता है और काफी पानी लगता है। अगर किसान धान की रोपाई के बजाय सीधी बुआई करें तो उन्हें दोगुना लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, आइए हम इसी के बारे में जानते हैं कि कैसे आप धान की सीधी बुआई से दोगुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, खरीफ की सीजन की प्रमुख फसलों में धान एक है, जिसकी खेती हम किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब से लेकर देश के तमाम राज्यों के किसान फिलहाल धान की खेती की तैयारी में लगे हैं। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों का कहना है कि धान की रोपाई विधि में करीब 15 लाख लीटर पानी प्रति हेक्टेयर खर्च होता है। वहीं रोपाई के काम में करीब 3000 रुपए प्रति एकड़ खर्च आता है। इसके अलावा रोपाई विधि से धान की खेती करने पर खेत की पहले कई बार जुताई करनी पड़ती है। इस काम के लिए ट्रैक्टर चलता है और उसमें धुआं भी निकलता है, जिससे खर्च बढ़ने के साथ साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। रोपाई विधि से धान की खेती करने में श्रम भी ज्यादा लगता है और लेबर चार्ज भी बढ़ जाता है। इससे किसानों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अगर किसान धान की सीधी बुआई करें तो कम पानी और कम खर्च में उच्च लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कोरोना काल में श्रमिकों की कमी के दौरान धान की सीधी बुआई मददगार साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धान की सीधी बुआई करने से 35 से लेकर 40% पानी का खर्च कम हो जाता है। इसमें कई सरकारें, खासकर पंजाब और हरियाणा सरकार जो है, धान की सीधी बुआई को प्रोत्साहित भी कर रही है। दोस्तों, धान की सीधी बुआई का सही समय क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जाने। धान की सीधी बुआई के लिए गेहूं की बुआई वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है और खेत की जुताई कराने के बाद समतल करा दिया जाता है। अगर किसान भाई धान की सीधी बुआई करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे उपयुक्त समय जो है 5 जून से लेकर 25 जून तक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को सीधी बुआई विधि से 20 जून तक काम निपटा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में बारिश होने के कारण खेत को तैयार करने में दिक्कत आती है। सीधी बुआई के लिए धान की कीट प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए कुछ खास किस्में पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692, पूसा बासमती 1612, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1401 और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई गैर बासमती धान की किस्में भी शानदार हैं। दोस्तों, सीधी बुआई के लिए किसान प्रति हेक्टेयर 20 से लेकर 25 किलोग्राम के हिसाब से बीज का प्रयोग करें और 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 5 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने से अच्छी पैदावार होती है और उपज प्रभावित ना हो, इसके लिए खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। समय पर किसानों को खेत की निराई करा लेनी चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि सीधी बुआई करने से कुछ इलाकों के खेत में लोहा तत्व की कमी हो जाती है और कमी के कारण पौधे पीले पड़ने लगते हैं, जिससे पैदावार प्रभावित हो सकती है। अगर आपके खेत में भी ऐसी समस्या दिखती है तो आपको फेरस सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। धान की सीधी बुआई में सिंचाई की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप 25 दिन बाद सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही धान की सीधी बिजाई करने से होने वाले फायदे के बारे में। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।